कि तानाशाह कब तक चलेगा। हर तानाशाह का अंत होता है। पूरा बीजेपी भ्रष्टाचार से लिप्त है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर। बीजेपी 2024 के चुनाव से डरी हुई है, उसे हारने का डर है, इसीलिए वो उल्टे सीधे काम कर रही है। क्रांतिकारी साथी है जो भी हक की आवाज उठाएगा, भाजपा उसे सीधे जेल में डालेगी। बीजेपी सरकार का दुरुपयोग है ईडी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी से बुरी तरीके डरती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, सत्ता के नशे में चूर है, उनकी जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया जो है सारे देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति जो है वो चलने वाली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नूर जौहर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आम आदमी कार्यालय में। तो जो संजय सिंह को शराब घोटाले के आरोप में जो गिरफ्तार किया था, उनको 5 दिन की रिमांड में रखा गया था। उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे लोग धरने पे बैठ गए हैं और लोगों के बीच में इतनी आक्रोश की स्थिति दिखाई दे रही है। लोग मोदी के उस पर नारे लगा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी संजय सिंह को गिरफ्तार करवा रहे हैं और ईडी को आगे कर रहा है। जब भी उसके बाद में कोई बात आती है तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोगों को चोटें आई हैं, मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि कुछ भी कर लो भाजपा हारेगी। यहाँ पे देख ही सकते हैं महिलाएं नीचे बैठ के यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेके जो कह रहे हैं कि संजय सिंह को रिहा करो, तो उसी जो संजय सिंह क्या कहेंगे। दरअसल अब जो है बीजेपी 2024 के चुनाव से डरी हुई है, उसे हारने का डर है, इसीलिए वो उल्टे सीधे काम कर रही है। हमारे देश की सर्वोच्च एजेंसी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने पर उतरी है, इसीलिए जो भी क्रांतिकारी साथी है, जो भी हक की आवाज उठाएगा, भाजपा उसे सीधे जेल में डालेगी। ये सीधे सीधे जो है बीजेपी सरकार का दुरुपयोग है ईडी का, और ये दुरुपयोग सिर्फ जो क्रांतिकारी साथी है और जो हक की आवाज उठाने वाला है उसी के खिलाफ ये बीजेपी का जो है काम कर रही है ईडी और सीबीआई। तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि संजय भैया छूटेंगे, तो जिस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को चोटें भी आई हैं और जो डिटेंशन लग चुका है, लोगों को पकड़ पकड़ के बसों में ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है संजय भैया तो क्या लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी से बुरी तरीके डरती है। आज अमानतुल्ला खान की यहाँ रेड चल रही है ईडी की, इससे पहले संजय सिंह जी को उठा के जो है इन्होंने रिमांड पे ले रखा है, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल रखा है, सत्येंद्र जैन जी को जो है बेल पे। इन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को अंदर डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी रुक जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी आंधी है। अब ये सबको भी डाल दे तब भी आंधी रुकने वाली नहीं है। जनता की पार्टी है, दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की पार्टी है। आपकी 3 नेताओं को अंदर कर दिया, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं पड़ जाएगी? ये चाहे सबको कर दे, आम आदमी पार्टी देश के लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, आम आदमी पार्टी का विचार बन चुकी है। इनके इस तरीके से कुकृत्य से आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत होती है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, जब ये अडानी के ऊपर बात आती है तब इनकी सीडी सीबीआई सारे जो है टुटपुंजू बन जाते हैं, जब ये ब्रजभूषण को अंदर करने की बात आती है तो सारे साइलेंट हो जाते हैं। अभी दोपहर में उनके ऊपर दोबारा एक बार और हिरासत में लिया जाए, कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, सत्ता के नशे में चूर है, उनकी जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 के इलेक्शन में बुरी तरीके से आ रही है। इससे पहले जो 4 राज्यों के अभी चुनाव हैं, 5 राज्यों के, एक स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी वो तो भ्रष्टाचार कम कर रही है ना, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रही है, तो उन्होंने घोटाला करा था शराब को तभी तो गिरफ्तार किया गया। तो ये शुभेंदु अधिकारी को अंदर क्यों नहीं करते, जिसके खिलाफ इनने कैंपेन लगा चलाया था। हेमंत बिश्व शर्मा जो इन वाटर स्कैम में इतनी बड़ा नाम था उसका, वो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको अंदर क्यों नहीं करते, उसके ऊपर ईडीए क्यों नहीं छोड़ते। ये अजीत पवार जो है, जिसको जेल की चक्की पीसिंग का डायलॉग जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो कहा था, मोदी जी उसकी पीठ थपथपा रहे हैं कि वाह बेटा बहुत बढ़िया काम किया, अब तो डिप्टी कि तो बीजेपी में आ गया और ये तेरे को डिप्टी सीएम बना दिया, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया जो है सारे देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति जो है वो चलने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का अंत जो है वो निश्चित है, और आम आदमी पार्टी जो है मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आम आदमी पार्टी जो है। ये तो आप सरकार को अपना काम करने से रोक रहे हैं ना, सरकार तो न्याय कर रही है ऐसे लोगों को अंदर डाल के जो ऐसे काम करते हैं। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन चल रहा है, और इस समय ईडी और सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। आपने देखा है पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जिस तरीके से
मनीष सिसोदिया के पेशे के दौरान इतने बुरी तरीके से लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनके पास साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कि तुम्हारे पास जब किसी एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं है तो तुम इनको बार बार क्यों ले आते हो, इनके खिलाफ जो है वो क्यों तुम केस खत्म नहीं करते हो। तो भारतीय जनता पार्टी को और ईडी को पूरी तरीके से लताड़ा गया है। और दूसरी चीज जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस दिनेश अरोड़ा के खिलाफ आप जो बता रहे हो कि क्योंकि वो सरकारी गवाह है और सरकारी गवाह के बयान जो है इसके अलावा एविडेंस भी पेश करना पड़ेगा सिर्फ सरकारी गवाह के बयान में, क्योंकि वो तो वही बोली बोल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो रुकने वाली नहीं है, चाहे आप जो भी कर ले, और जिस तरीके से जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हारेगी और आगे उनको कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं बैठी हुई है और कह रही है कि जो संजय भैया शेर है उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि संजय भैया जो आप कह नारे लगा रहे हैं वो उनको रिहा करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तक के हिसाब से कोई गलती नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला है, उसके बाद भी जबरदस्ती का जेल में रखे हुए हैं। लेकिन यही बात है कि तानाशाह कब तक चलेगा, हर तानाशाह का अंत होता है। ये तानाशाह थोड़ी ना कर रहे हैं, न्याय दिलवा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर न्याय रहे हैं। है पहली बात है भ्रष्टाचारियों को नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल हो गए अभी तक एक सबूत नहीं इकट्ठा पड़े, कैसे कह सकते हो कि भ्रष्टाचारी को अंदर कर रहे हैं? पूरा बीजेपी भ्रष्टाचार से लिप्त है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? आप सबूत तो दो ना, हमने गलत किया था सबूत तो दो ना, सबूत तो दे नहीं पाए तो फिर हम क्या बोलेंगे? ये तानाशाही है जो इनके खिलाफ बोल रहा है। पहले संजय सिंह कह रहे थे कि ईडी हमारे घर आके दिखा, अब उनको ले गए हैं और अब आप ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी को तो कुछ मिला नहीं, संजय सिंह के यहाँ कोई भी सबूत नहीं मिला। अरे हमने गलती को तो हमें जेल में डाल दो, लेकिन जब गलती है तो सबूत तो डालो कि हमने कोई गलती की है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो वो उनको रिहा करना ही पड़ेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों को डिटेंशन करा जा रहा है, लोगों को अंदर कराया जा रहा है और यहाँ पे भी लोग बैठ गए हैं। लेकिन तो क्या कहेंगे, संजय सिंह को रिहा करा जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं करा जाएगा, जब इतने सैकड़ों कार्यकर्ता जमीन पे उतरे हैं तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों तो रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। क्यों रोका जा रहा है, किस लिए रोका जा रहा है, कसूर क्या है हमारा? और क्या ही कसूर है हमारे नेता का, उन्हें सिर्फ राजनीति के बदले के मकसद से उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। और नहीं तो भाजपा के जो साथी पार्टी के लोग हैं, कितने ही लोगों पे है आरोप भ्रष्टाचार का, उनके ऊपर कोई जो है छापेमारी नहीं होती। क्या कहेंगे, मोदी जी तो अपना काम ही तो कर रहे हैं और आप लोग नारेबाजी पे उतर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। मोदी जी काम नहीं कर रहे, मोदी जी हमारे दोनों नेताओं से डरे हुए हैं। मोदी जी के भ्रष्टाचार को हमारे नेता संजय सिंह खोल रहे थे, इसीलिए उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया है। पूरे 50,000 के पेज की चार्जशीट में संजय सिंह जी का कहीं नाम नहीं है और ईडी और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाई। हम इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे दोनों नेताओं को रिहा करा जाए। अभी दोपहर में भी दोबारा उनसे बातचीत करी जाएगी, फिर क्या होगा, आगे का क्या होगा? देखिए, इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर रखा है, गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है, तानाशाही के खिलाफ है। जितनी तानाशाही चरम सीमा पे चलेगी, आम आदमी पार्टी का आंदोलन भी उसी तरीके से भयंकर तरीके से होगा। आगे क्या होगा, आगे ये क्रांति, ये आंदोलन पूरे देश में चलेगी। आप देखो अभी पुलिस की तानाशाही कितना बड़ा है कि एक दो बंदे को इन्होंने मार करके माथा तक फाड़ दिया है। ये क्या, कौन सा तरीका है? हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? ये लोकतंत्र की हत्या करने पर एकदम मोदी जी पड़े हुए हैं और हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही, अरविंद केजरीवाल के सिपाही, सारे के सारे लोग पूरे देश में इस बात के लिए जनता को जगाएंगे। ये पूरी तरीके से फेलुअर सरकार है, ये जनता से डर गई है सरकार। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि जो संजय सिंह को रिहा करो वरना हम आगे और भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन यहाँ पे पुलिस डिटेंशन लगा रही है, लोगों को पकड़ रही है, लोगों के यहाँ पे आप बातचीत करते हैं। संघर्ष हमारा नारा, इसके बाद भी संजय सिंह को रिहा नहीं किया गया तो ये आम आदमी पार्टी वालों को किसी भी तरह ये इनके प्रकरण जेल के अंदर डालना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है
इसलिए पूरी भाजपा इससे डरी हुई है, हमारे नेताओं को इसीलिए जेल के अंदर कर रही है। एक साल हो गया, सवा साल हो गया, हजारों छापे डाले जा चुके पार्टी के ऊपर, आज तक एक भी रुपया कहीं से भी बरामद नहीं हुआ। इसलिए ये सारे आरोप जो भी लगा रही भाजपा झूठे हैं। हमारी पार्टी की नेता कट्टर ईमानदार है, ये पार्टी कट्टर ईमानदार है। टाइम लगेगा लेकिन संजय भैया छूटेंगे, निर्दोष छूटेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं भाजपा डरेगी, भाजपा कहाँ डरी है? वो कह रही है कि 2024 में भाजपा ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। ये सत्ता में बैठे हुए हैं और जो सत्ता में बैठा हुआ होता है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये अपने मन की बात कर रहे हैं। आज तक इन्होंने 9 साल हो गई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मोदी ने। अगर जनता से सवाल, अगर जनता के सवालों से इतना डरते हैं, क्यों बैठे हुए गद्दी पे, गद्दी से उतर क्यों नहीं जाते हैं? इस तरीके से आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं गद्दी में बैठे हुए तानाशाही कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे अगर संजय सिंह को नहीं छोड़ा गया, उनको नहीं रिहा करा गया? हम सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। लोगों, लोकतंत्र में जनता सबसे आगे है और हम जनता के बीच में जाके अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और एक बात समझ लीजिए, ये जितने कपोल कल्पित रचे हुए नाटक हैं, मोदी जी को अब ये पता है कि उनकी सरकार जा रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की इनकी विदाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसमें चाहें जितनी बार गिरफ्तार कर लें, जितनी बार संजय सिंह को देखना चाहेंगे, हम सारे के सारे संजय सिंह के रूप में यहाँ पर डटे हुए मिलेंगे और मोदी का विरोध करेंगे। भी संजय सिंह को नहीं रिहा करा गया, फिर क्या करेंगे? इधर तो बैरिकेड्स लगा दिया, आपको रोका जा रहा है। कोई बात नहीं, न्यायालय और न्याय सबसे ऊपर है और संजय सिंह, हमें 100% इस बात का यकीन है कि संजय सिंह निर्दोष हैं और इस देश में लोकतंत्र को मारने की कोशिश तो करी जा सकती है लेकिन लोकतंत्र मरने वाला नहीं है। हम डट के मुकाबला करेंगे तानाशाह सरकार का और तानाशाह को भगाने की पूरी ताकत लगाकर उस सरकार को पलटने का काम। मोदी जी इतना काम कर रही है G20 के माध्यम से, उन्होंने बड़े बड़े देशों में अपने संबंध अच्छे करे, या कैसे मतलब हराएंगे आपने? ये G20 पहली बार हुआ है, ये G20 केवल मोदी जी के अवतार के कारण से हुआ है, इससे पहले भी इंदिरा जी के समय में हो चुका है। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। अगर मोदी जी ने अच्छा काम करा है तो CA जी ने खुल के कहा है कि ये भाई चोरी करी है। आप एक ही नंबर से, एक ही फ़ोन नंबर से 7 लाख लोगों का ऑपरेशन कर देते हैं, एक माँ दूसरे अस्पताल में और उसका नवजात शिशु दूसरे अस्पताल में, इसकी मोदी जी को जांच करानी चाहिए। ED और CBI को वहां भेजना चाहिए। राकेश सचान 72 प्लॉट वाला नेता, उसकी CBI की जांच करानी चाहिए। ये इनके पास, मेरे नेता आदरणीय संजय सिंह के पास इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मनीष जी के पास झुंझुना जरूर मिल गया था, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सब कह रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं कि संजय सिंह के पास उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, वो बेगुनाह है, उनको बेगुनाह तौर पर गिरफ्तार किया गया है, और यहाँ पे ये नारेबाजी चल रही है। आगे क्या होगा और क्या माहौल रहेगा, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां, जनित आवाज।